गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आई एम योर इंग्लिश मेंटर स्वाति त्रिपाठी। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्मार्ट भी, क्योंकि आपने ज्वाइन किया एडी स्मार्ट क्लासेस। चलिए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू वोकैब्स। वोकैब्स से रिलेटेड हमारी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? जो वर्ड किसी को भी सब्स्टिट्यूट करे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कई वन लाइनर्स होते हैं, जो आपको वन लाइनर क्या होते हैं, वन लाइनर या टू लाइनर्स को जो सब्स्टिट्यूट करते हैं वो वर्ड्स, उनको बोलते हैं वन वर्ड। मीन्स अगर आपकी कोई बात है उसको आपने एक या दो वाक्य की जगह एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड जो है हमारा क्या है, सबसे पहला वर्ड जो है बेबी से रिलेटेड है। वो वर्ड क्या हो जाता है? क्रच। क्रच या नर्सरी, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रेन, एक ऐसी जगह जहाँ पे किसकी केयर की जा रही है, किसको रखा जा रहा है, बच्चों को रखा जा रहा है, उनकी केयर की जा रही है। कब की जा रही है? जब उनके पेरेंट्स कहाँ पर होते हैं, पेरेंट जो है उनके वर्किंग पर होते हैं, जब वो अपनी जॉब पर गए होते हैं। यहाँ पे बच्चों को नाइट स्टे करना नहीं होता है, मोस्टली ये डे केयर के रूप में होते हैं। यहाँ पे उनको प्रॉपर केयर भी मिलती है, वहाँ पे बच्चे गेम्स भी खेल सकते हैं, एक्टिविटी सीखते हैं और कुछ ना कुछ एजुकेशनल का पार्ट भी सीखते हैं। वो स्कूल नहीं होता है, बट एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पर मोस्टली उनकी केयर की जाती है और खेलने की चीज़ें होती हैं, जहाँ पर वो रहना सीखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रच बोलते हैं। नेक्स्ट है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री एक रूम होता है जिसमें काफ़ी सारे बेड्स एक साथ होते हैं। ये होटल्स में भी होते हैं, हॉस्टल्स में, कॉलेज में भी, जहाँ पर काफ़ी सारे रूम। अगर आप होटल में जाते हो नाइट स्टे के पर्पज़ से केवल, तो उसको क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री। इसमें अलग अलग पर्सन, अलग अलग घर के पर्सन अलग अलग फॉर्म में स्टे कर सकते हैं। ये बहुत चीपर रेट पर होटल अवेलेबल होते हैं और कॉलेज स्टूडेंट आपके हॉस्टल में भी जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री। आ प्लेस फॉर स्लीपिंग, केवल किस पर्पज के लिए? सोने के पर्पज से। इन कॉलेज, हॉस्टल, होटल्स, होटल्स में तो कोई भी रुक सकता है, कॉलेज और हॉस्टल्स किसके लिए होते हैं? फॉर स्टूडेंट्स। एक ऐसी जगह जहाँ पे आप सिर्फ सो सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होता है? ऑर्फेंस होता है। अ प्लेस अ पर्सन हूज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसे कुछ बच्चे जिनके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, उनका जो घर होता है, अब जब उनका कोई भी बायोलॉजिकल केयर टेकर नहीं है तो उनकी अब जो केयर टेकर होते हैं, उनका जो ब्रॉटअप, उनकी पढ़ाई, एजुकेशन, उनका खाना पीना, रहना, अब जो भी उनका केयर के साथ कर रहा है उनको, वो कहाँ पर होता है? ऑर्फनेज में, मीन्स अनाथालय में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हाउस। नेक्स्ट मीन्स होता है हाउस। हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है? हाउस जो होता है वो आपका चार दीवारी से या फिर जहाँ पे चीज़ों की, आप जैसे आप दीवार की बात करो, रूफ की बात करो, चीज़ों की बात करो, तो वो हाउस होता है। बट अगर आप मेमोरी की या लोगों की बात करते हो तो वो होम होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं हम अपने घर जा रहे हैं, अपने होम जा रहे हैं, ये कोई नहीं बोलता हम अपने मकान जा रहे हैं। मकान जब बन रहा होता है, जब उसमें कोई भी मेमोरी क्रिएट नहीं होती, तब बोलते हैं हमारा मकान बन रहा है, तब क्या होता है? मकान होता है। वो जो सिर्फ चार दीवारें होती है उसको मकान बोलते हैं, बट वहाँ आपकी कुछ रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे किसी की शादी हुई, किसी का बर्थ हुआ, कोई भी आपकी अच्छी मेमोरी या बुरी मेमोरी जो वहाँ से रिलेट होती है उसको होम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा आपका? हट। अ स्मॉल हाउस वेयर पीपल लिव, ये भी एक वही चीज़ है, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? किस चीज़ का ये बना होता है? मिट्टी का। मड मीन्स मिट्टी। तो एक ऐसी जगह जो किससे बनी हुई है? जो केवल मिट्टी से बनी हुई है। पैलेस। पैलेस जैसे गेस्ट हाउस होते हैं आजकल के टाइम पे, कुछ लोग अपने घरों में भी लिखते हैं पैलेस, कुछ गेस्ट हाउस के नाम में भी आप लोग ने देखा होगा कि पैलेस होता है। अ लार्ज हाउस, एक ऐसा घर जो काफ़ी बड़ा होता है, किसके लिए होता है? वेयर रिच पीपल लिव, यहाँ पे कौन रह रहा है? जहाँ पे केवल अमीर लोग या एफ्लुएंट फैमिली, वेल टू डू फैमिली जो होती है वो रह रही होती है, उसको क्या बोलते हैं? पैलेस। जैसे राजा लोग रहते थे, राजा लोग अमीर ही तो थे, एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते थे, वो कोई गरीब होते तो नहीं होते थे कि जाके छोटे से मकान में रह ले या घर में रह ले, तो वो जहाँ रहते थे उसको क्या बोलते थे? पैलेस। नेक्स्ट वर्ड है एजाइलम। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का फेवरेट, मेरा फेवरेट आप लोगों के लिए, लुनेटिक। अ प्लेस वेयर लुनेटिक्स आर टेकन केयर, एक ऐसी जगह जहाँ पे लुनेटिक्स का केयर टेक किया जाता है, रिकवर्ड, उनको ठीक किया जाता है फ्रॉम लुनेसी। मीन्स लुनेटिक क्या होता है?
लुनेटिक बोल सकते हैं आप, मैड, पागल। जहाँ पर पागलों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूनेटिक एजाइलम। जैसे अगर आप पॉलिटिक्स की शरण में जाते हो तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल एजाइलम। जैसे कुछ लोग होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे जो बॉलीवुड में एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं, बाद में अगर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल एजाइलम। एजाइलम मीन्स किसी चीज़ की शरण में जाना। तो पागल कहाँ जाएगा? ल्यूनेटिक एजाइलम में, और पॉलिटिक्स जो ज्वाइन करना उसको पॉलिटिकल एजाइलम में। नेक्स्ट वर्ड है जिमनेजियम। जिमनेजियम क्या होता है? वेयर एथलेटिक्स, जो भी एथलेटिक्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, या और भी जो पर्सन होते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, वो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उनको परफॉर्मेंस देनी होती है या एक्सरसाइज होती है, वो कहाँ पर परफॉर्म करेंगे? जिमनेजियम में। ये यहाँ रहते नहीं हैं, ये मोस्टली अपनी एक्सरसाइज या अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉन्स्ट्री। मॉन्स्ट्री क्या होता है? मॉन्स्ट्री एक ऐसी जगह जहाँ पे कौन रहता है? मॉन्ग, सेंट, हर्मिट, जो साधु संन्यासी होते हैं। मोस्टली इसको हिंदी में कह सकते हैं मठ। आपने देखा होगा ना बौद्ध मॉन्ग होते हैं जो, वो कहाँ रहेंगे? बौद्ध मॉन्स्ट्री में रहते हैं। अ प्लेस वेयर मॉन्ग्स, जहाँ पर साधु एंड प्रीस्ट रिसाइड, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, या फिर अपने राइट जो भी उनकी रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं? मॉन्स्ट्री। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा कॉन्वेंट। कॉन्वेंट मोस्टली किसके लिए होता है? क्रिश्चियंस के लिए। किसके लिए होता है? क्रिश्चियन के लिए। कई बार आपने स्कूल सुने होंगे जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं? आर रेजिडेंस फॉर नन्स, जहाँ पे आपके प्रिंसिपल टीचर्स भी नन ही होते हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं? कॉन्वेंट में रहते हैं, उनके रहने की जो जगह होती है। नेक्स्ट बैरक। पढ़ा होगा ना मंगल पांडे वाला जो बैरक था, बैरकपुर छावनी वाला, वह उससे वो बैरक अलग हो जाता है, ये दूसरा हो जाएगा। अ प्लेस वेयर मिलिट्री पर्सोनल लिव, एक ऐसी जगह मिलिट्री के पर्सोनल रहते हैं। अच्छा, पर्सोनल और पर्सनल में फ़र्क क्या होता है? वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड पर्सोनल? ये जो पर्सन से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं पर्सनल, और जो पर्सोनल होते हैं उनको बोलते हैं कर्मचारी, जो वर्कर्स होते हैं उसको बोलते हैं। जैसे IBPS में जो पी होता है वो किसके लिए होता है? पर्सोनल के लिए। IBPS में पी स्टैंड फॉर पर्सोनल। तो ऐसी जगह जहाँ पे मिलिट्री के वर्कर्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैरक। नेक्स्ट है होटल या टेंट। जब आप कई बार आउटिंग के लिए जाते हो, ट्रैवलिंग के लिए जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो आप या तो होटल में रुकते हो, आजकल कुछ लोग क्या करते हैं ट्रैकिंग पे जाने के लिए, कुछ एडवेंचर करने के लिए टेंट वगैरह का भी यूज़ करते हैं। अ प्लेस वेयर पीपल स्टे, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? स्टे कर रहे हैं वाइल ट्रैवलिंग। जब वो ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो वहाँ रुकते हैं, उसको क्या क्या यूज़ करेंगे? या तो होटल या फिर टेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैब या कैरवन। कैब या कैरवन क्या होता है? जब कुछ लोग होते हैं बहुत, मतलब नंबर्स ऑफ पीपल जो होते हैं जॉब के पर्पज़ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनको मूव करने के लिए जो कैब का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जिप्सी। जिप्सी से आपको गाना तो याद आ ही गया होगा, कौन सा? जिप्सी कौन चलाता है? जिप्सी अ लेबर मूव्स बाय कैब और कैरवन, एक ऐसा कैरवन को जिसको कौन ले जा रहा है? कैब ले जा रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से जहाँ दूसरी जगह ले जाने के लिए जो यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? जिप्सी। नेक्स्ट वर्ड है आपका इग्लू। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आप लोग रजाई से बनाते हो ना इस टाइप की इग्लू, बोलते हैं कि आज हम लोगों ने इस इग्लू बनाया, आज हम लोग एस्किमोज बनते हैं, हमें ठंड नहीं लगेगी। तो वही जो स्नो का, बर्फ़ का आप लोग बनाते हो ना, एस्किमोज मोस्टली बनाते हैं ठंड से बचने के लिए। जब माइनस में, जैसे माइनस कुछ सेंटीग्रेड में अगर आपका टेम्परेचर चला जाता है, उसके लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इग्लू। इग्लू क्या होता है? इग्लू इज अ हट। इग्लू एक हट की तरह होती है, मेड ऑफ स्नो। ये किसकी बनी होती है? स्नो की। एंड सॉफ वेयर एस्किमोज लिव, जहाँ पर कौन रह रहा है? एस्किमोज रहते हैं। एस्किमोज कहाँ रह, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एस्किमो क्या होते हैं? वो पर्सन जो कहाँ रहते हैं? एस्किमो इग्लू में रहते हैं। नेक्स्ट है क्रिमेटोरियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ प्लेस वेयर लास्ट फ्यूनरल राइट्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर अंतिम जो दाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, वो किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिमेटोरियम। जो डेथ हो जाते हैं, जिनकी डेथ होती है, डेड बॉडीज़ का जो होता है फ्यूनरल राइट्स, उसको बोलते हैं क्रिमेटोरियम। नेक्स्ट स्लाइड। अवियरी।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवियरी. अवियेटर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अवियेटर स्कूटी जो थी, अवियेटर स्कूटी क्या करती है, आपको ऐसा लगेगा कि आप उड़ रहे हो. उन स्कूटी का कहना है, उन स्कूटी की जो कंपनीज है उनका कहना है कि उड़ने से रिलेटेड एविएशन सेंटर. यानी अगर आपको उड़ना है, मीन्स अगर आपको फ्लाइट लेनी है तो आप एविएशन सेंटर जाओगे. मोस्टली कहने का मतलब है अभी एविएटर एविएशन ये किससे रिलेटेड है, उड़ने से. तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, रहने के लिए, प्लेस के लिए. तो यहाँ पे कौन उड़ने वाला रहेगा, बर्ड्स. तो बर्ड्स जो है वो उड़ती हैं, वो कहाँ रहती हैं, आ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट. एक ऐसी जगह जहाँ पर किसको रखा जाता, बर्ड्स को, किसको रखा जाता, बर्ड्स को रखा जाता, उसको क्या बोलते हैं, अवियरी. और अगर हम बीज की बात करते हैं, जैसा हमने पढ़ा था एपिकल्चर, अपियरी मीन्स बीज के लिए, यानी मधुमक्खी के लिए, उनकी रियरिंग के लिए. नेक्स्ट शेड, आ प्लेस वेयर कैटल आर कैप्ट. एक ऐसी जगह जहाँ पर किसको रखा जाता है, कैटल को. कैटल क्या होते हैं, वो जानवर जो केवल ग्रास खाते हैं, जो घास खाते हैं उनको बोलते हैं, जैसे शीप, कैट, शीप, काऊ, बफेलो, इस टाइप के जो जानवर होते हैं उनको बोलते हैं. नेक्स्ट बायर, वेयर काउज आर शेल्टर, जहाँ पे काऊ को शेल्टर दिया जाता है, जहाँ पे काउज रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो गाय के रहने की जगह होती है उसको बोलते हैं बोरो, बायर. नेक्स्ट वर्ड है कैनल, हाउस ऑफ शेल्टर, या तो हाउस या शेल्टर मीन्स उनके रहने की जगह, किसके, डॉग्स के. आपने काफ़ी बार सुना होगा ये वर्ड, कैनल क्या होता है, जो डॉग्स के रहने की जगह होती है उसको बोलते हैं कैनल. वेयर कैट्स रैट्स लिव, रैट कहाँ रहते हैं, ऐसे आप बिना वर्ड को देखे बता सकते हो, रैट कहाँ रहते हैं, होल में, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, होल. पेन, पेन वो वाला नहीं जिसको लिखना होता है. और दूसरा क्या होता है, कई बार आप लोग बोलते हो पेन दे दो, पेन को कई बार आप लोग पेन बोलते हो, तो पेन नहीं होता, पेन होता है, पहले तो प्रोनंसिएशन. और दूसरा, इसको पकड़ लो नहीं तो लाइफ टाइम यही रहता है साथ में, मीन्स अगर आपने अभी कलम उठा ली, पेन उठा लिया, तो आपको ज़िंदगी भर दर्द नहीं होगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी. इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करें, और पढ़ाई करें, पेन को उठा लें. तो पेन क्या होता है, इनक्लोजर फॉर द शीप, एक ऐसी जगह जहाँ पर कौन रह रहा है, शीप रह रही है, यानी भेड़ रह रही है. पेन इज ऑल्सो अ पोर्टेबल इनक्लोजर फॉर बेबीज, बेबीज़ के रहने की जो जगह होती है, जहाँ पर आप बेबीज़ को लेके जाते हो उसको बोलते हैं, ये क्या होता है, पोर्टेबल. जैसे आपने कई बार वॉकर टाइप से देखे होंगे ना, वो भी बच्चों के लिए होते हैं. पोर्टेबल मीन्स आप उसको पैक करके इधर से उधर मूव करके ले जा सकते हो, तो क्या बोलेंगे, पेन. नेक्स्ट वर्ड स्टाई, स्टाई किससे उधर होता है, आपने कई बार सुना ना, पिछले कुछ टाइम पहले एक बुखार चला था, कौन सा, स्वाइन फ्लू. स्वाइन मीन्स जो पिग या पिग की स्पेशीज से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं स्वाइन. एंड इनक्लोजर टू कीप पिग्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप पिग को रखते हो. और नेक्स्ट है वैरन, वेयर रैबिट्स और हेयर्स लिव, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर खरगोश रहते हैं. अच्छा, रैबिट और हेयर्स में डिफरेंस क्या होता है, मोस्टली आप इनको इनके ईयर से देखोगे, जिनके ईयर काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं वो हेयर्स होते हैं, और जिनके छोटे हेयर ईयर होते हैं उनको रैबिट बोलते हैं. घरों में मोस्टली क्या होते हैं, रैबिट्स होते हैं. नेक्स्ट है हच, वही हच वोडाफोन वाला जिसमें एक छोटा सा डॉगी रहता था. हच मीन्स होता है एक ऐसा बॉक्स जो वुडन का बना है, एक ऐसा बॉक्स जो वुडन का बना है जिसमें क्या कौन रहता है, रैबिट्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हच. हच आप उस डॉगी से याद नहीं करोगे, हच किसके लिए, हच किसके लिए होता है, रैबिट्स के लिए. आ हच इज अ वुडन बॉक्स टू कीप रैबिट, हच क्या होता है, रैबिट्स के रहने के लिए छोटा सा लकड़ी का बॉक्स होता है. नेक्स्ट स्टेबल, स्टेबल आप याद कर सकते हो हिंदी में अस्टेबल से. आ शेल्टर, एक शेल्टर है किसके लिए, फॉर हॉर्सेस, घोड़ों के रहने की जो जगह होती है उसको हिंदी में बोलते हैं अस्टेबल, और उसी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्टेबल. फिर आ गया होल, होल किसके लिए, रैट्स के लिए तो होता है, और किसके लिए, फॉक्सेस के लिए भी होता है. लिव इनसाइड, जो होल के अंदर रहते हैं कौन कौन, फॉक्सेस और रैट्स. नेक्स्ट है लेयर, लेयर क्या होता है, वेयर टाइगर्स और अदर वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं आपके, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं मोस्टली, उनके लिए होता है. इनके लिए एक और वर्ड होता है डेन, शेर की जो गुफा होती है उसको बोलते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे लिखा भी मेंशन है डेन, वेयर लायंस टाइगर्स और अदर वाइल्ड एनिमल्स लिव, ऐसी जगह जहाँ पर मोस्टली लायंस या टाइगर्स रहते हैं उनको बोलते हैं डेन. अ हॉल्ट, होल्ट इज अ डैन, होल्ट एक ऐसी गुफा होती है जो किसके लिए होती है, ऑटर के लिए.
ऑटर कौन सा एनिमल होता है? वो एनिमल जिसकी स्किन आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, बहुत सिल्की सी स्किन होती है, जानवर होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड ड्रे। ड्रे किसके लिए होता है? अनेस्ट, एक ऐसा घोंसला जहाँ पे कौन रह रहा है, स्क्वेरल रह ली यानी गिरहरी, उसके लिए जो घोंसला होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रे। नेक्स्ट पिट। पिट किसे आप याद करोगे? पिट जो होता है एक स्नेक के लिए जो होता है होल, उसको बोलते हैं पिट। पिट इज अ होल, पिट एक ऐसा होल होता है वेर स्नेक्स लिव, जो सांप का जो बिल होता है, सांप के बिल को क्या बोलते हैं, पिट। नेक्स्ट है वहाँ पे अगर चूहा जाके रह लेगा तो चूहा दोबारा नहीं रह पाएगा, फिर वो दुनिया से चला जाएगा। होल फॉर रैट और पिट फॉर स्नेक। नेक्स्ट इज नेस्ट। नेस्ट किससे रिलेटेड होता है? मोस्टली बर्ड से। अ प्लेस वेयर, जहाँ पे ये लोग खुद रह रहे होते हैं, जहाँ पर इनको पालना नहीं होता, इन्होंने खुद बनाया होता है उसको नेस्ट बोलते हैं, और अगर इनका रियरिंग हो रही है, इनको रखा जा रहा है केज में, तो उसको अवियरी बोलते हैं। नेक्स्ट है कोल। अ प्लेस टू कीप द पिजन्स, अगर आप खरगोश को रहो, कबूतर को रखते हो, तो उसको क्या बोलते हो, पिजन्स बोलते हो। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या हो जाएगा, कूप। अ केज टू कीप, एक ऐसा पिंजरा जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फाउल्स और गूस को रखते हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉन्ड। पॉन्ड में आपने मोस्टली क्या देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने क्या देखा होगा पॉन्ड्स में, डक्स देखी होंगी। डक्स क्या कर रही होती है, उसमें स्विम कर रही होती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर डक क्या कर रही है, स्विमिंग करती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉन्ड। नेक्स्ट है आयरे। आ लॉफ्टी नेस्ट, एक ऐसा नेस्ट जहाँ पे ईगल्स रहती है, ईगल्स या हॉक्स रहते हैं, मोस्टली किस लिए रहते हैं ये, इनका क्या पर्पज होता है, प्रे के लिए। वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रे? प्रे मीन्स प्रेयर करना, प्रार्थना करना, विश करना, और ये प्रे क्या होता है, इसका मीन्स हंट करना, अपने जो शिकारी होता है उसके लिए, शिकारी को इंग्लिश में क्या, जो शिकार बनता है उसको बोलते हैं प्रे। जैसे अगर कोई लायन है और एक तरफ डियर है, तो जब डियर है वो लायन के लिए क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रे। नेक्स्ट वर्ड हाइव। आपने कई बार 10th या 9th की बुक में भी पढ़ा होगा, एक बुक का नेम था बी हाइव, तो बी के लिए क्या होता है, जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइव। वेयर बीज लीव, एक ऐसी जगह जहाँ पर बीज रहती है उसको क्या बोलते हैं, हाइव। ये मधुमक्खी का छत्ता होता है, बट अगर आप इनकी रियरिंग करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, अपियरी। अपियरी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपिकल्चर। यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन है अपियरी, अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट और कल्टिवेटेड। यहाँ पे इनकी जो रियरिंग होती है उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं एपिकल्चर। नेक्स्ट है कोब वेब। वेब देखा है ना, वेब को इसीलिए वेब बोलते हैं क्योंकि एक इंसान अगर उसमें जाता है ना, जैसे अगर आपने गूगल गूगल में आपने सलमान खान को सर्च किया, फिर उसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट दिखता है उस पर आपने टिक किया, सपोज उसमें एक्टर आ गया, फिर एक्टर को आपने सर्च किया तो एक्टर से बहुत सारे एक्टर्स आ जाएंगे, मीन्स आप एक के बाद एक एक करके आगे बढ़ते जाते हो। एक वेब होता है जाला, मीन्स आप उसमें उलझ जाते हो, इसीलिए वो वेब बना है। आप फैब्रिक मेड बाय स्पाइडर, स्पाइडर से जो फैब्रिक बनता है, जाले में भी आप उलझ जाते हो ना, उसी को बोलते हैं को वेब। कसिनो, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको बिफोर सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं जाना, और आफ्टर सिलेक्शन भी कोशिश करें यहाँ ना जाएं। कैसीनो, वेयर गैम्बलिंग टेक प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर गैम्बलिंग होती है, जहाँ पर लोग बैटिंग वगैरह का काम करते, कार्ड्स प्ले करते हैं। नेक्स्ट एक्वेरियम। एक्वा किससे रिलेटेड होता है? एक्वा गार्ड आपके घर में होगा। एक्वा गार्ड का मीन्स, एक्वा मीन्स पानी और गार्ड मीन्स प्रोटेक्ट करना, एक ऐसी चीज़ जो आपके पानी को प्रोटेक्ट करती है, तो एक्वा मीन्स ही होता है पानी। एक्वेटिक एनिमल्स, दोज एनिमल्स हू लिव इन एक्वा, पानी में रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अ टैंक ऑफ ग्लास, एक ऐसा टैंक है ग्लास का जिसमें पानी भी, और वो ग्लास का बना हुआ, मीन्स ट्रांसपेरेंट है। वेयर लिव, कौन रहता है उसमें, फिशेस और टॉर्टॉइज, जो छोटे छोटे टॉर्टॉइज या कछुए होते हैं वो उसमें रह रहे होते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। नेक्स्ट है बोरो। एन अंडरग्राउंड एरिया, एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ जानवर जो है अंडरग्राउंड होके रहते हैं ज़मीन के अंदर, उसको बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस में है अबेटर। अबेटर क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, मारा जाता है, उनकी स्लॉटरिंग की जाती है।
कुछ लोगों के अकॉर्डिंग पेरेंट्स और जो टीचर्स होते हैं वो भी स्लॉटर होते हैं, उनकी पिटाई हो गई, उनको डांट दिया। हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर तो कसाई की तरह बहुत मारते हैं, बहुत डांटते हैं, बट वो आपकी कसाई की तरह नहीं, आपके वेलविशर्स होते हैं। वो चाहते हैं आप बेटर तरीके से पास हो जाओ, सो दैट आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा और पेन से अपनी नोटबुक में प्रॉपर नोट करना होगा और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट है तो क्या है, अबेटर मीन्स वेयर एनिमल्स, जहाँ पे केवल एनिमल्स की स्लॉटरिंग होती है। बच्चों के लिए जो होता है वो वेलविशर होते हैं। वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, जहाँ पे एनिमल्स की स्लॉटरिंग होती है, मीन्स उनको काटा मारा जाता है फॉर मार्केट, मार्केट में सेल करने के लिए। नेक्स्ट आर्चीज, आर्चीज मीन्स वो जगह जहाँ पे आपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे आपने कई बार स्क्रीन शॉट, कुछ पिक्चर्स, कुछ डेटा अगर आप सेव करते हो ना, तो भी आपके फ़ोन में गैलरी में एक ऑप्शन होता है आर्चीव, जहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट डेटा रख सकते हो। आ डिपॉजिटरी वेयर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स को रखते हो फॉर हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस आर कैप, जहाँ पे आप हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ को रखते हो उसको क्या बोलते हैं, आर्चीव्स। नेक्स्ट है आर्सेनल, इम्पॉर्टेंट रिपीटेड वर्ड, अ प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर वेपन्स, वेपन्स मीन्स हथियार, गन्स वगैरह आर मैन्युफैक्चर्ड सीक्रेटली कैप्ट, जो चुपचाप से सीक्रेट तरीके से रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, आर्सेनल, लीगल होता है ये। क्लॉक रूम, क्लॉक रूम क्या होता है, कई बार आप स्टेशन वगैरह रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो देखते हो कि कुछ केस टाइप का बना रहता है, वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा होता है, तो वो क्या होता है, जैसे आप कुछ दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए अपना कुछ सामान वहाँ पे सबमिट करके जाते हो, जैसे कि आपको वो नहीं ले जाना है या आप चाहते हो, जैसे आपकी ट्रेन डिले हो गई बट आप अपना पूरा लगेज वापस नहीं ले जाना चाहते हो, कहीं और स्टे करना चाहते हो या घूमना चाहते हो वो शहर, तो आप थोड़ी देर के लिए जो अपना सामान आप स्टेशन में सबमिट करके जाते हो वो कहाँ रखा जाता है, क्लॉक रूम में। वेयर ड्रेसेस एंड लगेज, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपका लगेज थोड़ी देर के लिए आर लेफ्ट, थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है, टेम्प्रेरी, टेम्प्रेरी तरीके से, परमानेंट नहीं छोड़ के चले जाए। नेक्स्ट वर्ड गैरेज, गैरेज कहाँ होता है, घर में, घर में ही होता है ना, अ पार्ट ऑफ अ हाउस, घर का ही एक पार्ट होता है बट कहाँ होता है, आउट बिल्डिंग, मोस्टली घर के बाहर का ही एरिया होता है। वेयर मोटर व्हीकल्स आर कैप्ट, जहाँ पे आप अपनी बाइक कार्स वगैरह को पार्क करते हो उसको क्या बोलते हैं, गैरेज। नेक्स्ट है कैशे, वेयर एमिनिशंस आर कैप्ट, जहाँ पर आप अपने जो आपके एमिनिशंस हैं, आपके जो डेटाज हैं उनको सीक्रेट तरीके से रखते हो। ग्रेनरी, जैसे कि नाम से क्लियर है, ग्रेन मीन्स अनाज, अ प्लेस टू स्टोर ग्रेन, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना अन्न भंडार टाइप से, तो वो कहाँ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अन्न भंडार को, ग्रेनरी। नेक्स्ट वर्ड है हैंगर, क्लॉथ्स को हैंग करने वाला नहीं, ये कुछ और है, देखते हैं क्या है। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स, एरोप्लेन से वर्ड याद आता है एरो, फोबिया, फोबिया मीन्स डर, एयर मीन्स जिसको हाइट से डर लगता है। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर हाउस, एक ऐसी जगह जहाँ पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है। नेक्स्ट है म्यूजियम, कई बार आप जैसे म्यूजियम में जाते हो या कुछ म्यूजियम्स होते हैं ना जिसमें आप देखते हो कि कोई भी आपका फ्रीडम फाइटर या उससे पहले के भी जो मुगल्स टाइम के लोग हैं उनका जो भी उनके ड्रेसेस है, उनके स्वॉर्ड है या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, आप जिसको शोकेस की तरह यूज़ करते हो उसको बोलते हैं। अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है ऑफ हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंस, जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, आर शोकेस्ड, उनको शोकेस की तरह रखा जाता है। नेक्स्ट ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड क्या होता है, जहाँ पे आप फल वगैरह, मोस्टली फल के लिए होता है। अ गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, एक ऐसी जगह जहाँ पर फलों की खेती होती, फलों को उगाया जाता है। नेक्स्ट स्कैबर्ड, जैसे आपने देखा होगा ना कई बार बोलते हैं एक म्यान में एक तलवार रह सकती है, एक म्यान में दो तलवार नहीं, जो म्यान वर्ड है उसको बोलते हैं। अ शीथ अप मीन्स एक जो प्रोटेक्शन होती है, तलवार को प्रोटेक्शन, तलवार को उसकी शार्पनेस नहीं कम हो जाएगी उससे भी, और दूसरे किसी और को भी उससे चोट नहीं लगेगी, तो उसके लिए जो उसका कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कैबर्ड। अ शीथ अ प्रोटेक्टिंग कवरिंग, एक ऐसी जगह जो प्रोटेक्ट कर रही है उसको कवर दे रही है, फॉर कीपिंग स्वॉर्ड डैगर और बायनेट, इनको जो प्रोटेक्ट करती है उसको। नेक्स्ट ये तो आपको पता ही नहीं होगा, लाइब्रेरी क्या होती है, तो किसी को पता ही नहीं होगा क्योंकि बुक्स वगैरह तो उठा के देखना नहीं है, क्या हो जाएगा, बुक्स वगैरह देखते ही आपको
बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया हो जाएगा। तो बेटर है कि आप किताब वगैरह उठा के देखें, बुक्स पढ़ें, ताकि आपको बिब्लियोफोबिया ना हो। नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा, अ प्लेस फॉर कीपिंग बुक्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप क्या रख सकते हो, बुक्स को रखते हो। मोस्टली अगर नंबर्स ऑफ बुक्स हैं तो आप लाइब्रेरी, अगर घर की बात करते हो तो शेल्फ हो जाता है। नेक्स्ट है वाइन यार्ड, पीने नहीं है पाइन। अ फार्म वेयर ग्रेप्स आर प्रोड्यूस फॉर वाइन, एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या किया जा रहा है, ग्रेप्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, मीन्स अंगूरों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनकी खेती हो रही है फॉर वाइन, वाइन के लिए। अगर आप अंगूर को खाने के लिए मार्केट में बेचने वगैरह के लिए यूज़ करो तो वो ऑर्चर्ड में आ जाएगा, बट अगर उनका मेन पर्पज़ क्या है, वाइन बनाना, तो उसको क्या बोलेंगे, वाइन यार्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिकेंटर। डिकेंटर से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको नींद आ रही है तो पानी पी लीजिए, भूख लग रही है तो कुछ खा लीजिए वीडियो पॉज करके, बट वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। नेक्स्ट, अ ग्लास ऑफ बॉटल, एक ऐसी ग्लास जो एक ऐसी बॉटल जो किसकी बनी, ग्लास के लिए, फॉर कीपिंग वाइन, वाइन को रखने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कांच की बॉटल का यूज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिकेंटर। वार्डरोब या अलमीरा, जहाँ पर आप कपड़े रखते हो, फिर इसमें लड़ाई होती है कि ये मेरी अलमीरा, ये मेरी अलमीरा, वही वाली अलमीरा। या फर्नीचर फॉर कीपिंग ड्रेसेस, एक ऐसा फर्नीचर जो किस लिए यूज़ होता है, ड्रेस को रखने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आपकी क्लास का, टैनरी। टैनर मीन्स जो लेदर को टैन करता है। वेयर लेदर्स आर टैंड, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप लेदर को क्या कर रहे हो, टैन कर रहे हो, उसको शूज़ या बेल्ट और वॉलेट में कन्वर्ट करने के लिए। इसी से एक वर्ड और यह है मिंट। मिंट क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर क्वाइंस बनते हैं, अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड, उसको क्या बोलते हैं, मिंट। कमेंट बॉक्स में बताइए कि